हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चार ऐसी चटनियों की रेसिपीज जो कि साउथ इंडियन है और इन्हें आप इडली, डोसा, वड़ा, उत्पम, सेट डोसा किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में तो ये टेस्टी है ही, बनाने में भी ये साथ ही साथ बहुत ही ईजी हैं। तो आइए हम बनाते हैं चारों तरह की साउथ इंडियन चटनी। उनके लिए सबसे पहले बनाएंगे कोकोनट चटनी। उसके लिए एक मिक्सी के जार में मैं एक कप डेसिकेटेड कोकोनट लूँगी। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं। उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रोस्टेड चना दाल, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 1 इंच चॉप्ड जिंजर और जूस ऑफ 1 लेमन। ये मैंने 1/2 कप वाटर लिया है जिसमें से मैंने आधा ही डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। करते हुए जो पानी बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो ये देखिए, ये थिक चटनी बनी है। इसे बाउल में निकाल लिया और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अब इसके लिए तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए एक तड़का पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल लूंगी। उसमें डालेंगे हम बारीक वाले मस्टर्ड सीड्स, 1/2 इंच ऑफ हींग और थोड़े से कड़ी पत्ते। आपके पास फ्रेश कड़ी लीव्स हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और एक सूखी हुई लाल मिर्च, इनको अच्छे से फ्राई करके हम चटनी में ऐड कर देंगे और हमारी चटनी बनकर रेडी है। ये तड़का जो है हमारी चटनी के टेस्ट को और भी एनहेंस करेगा। तो लीजिए, ये बनकर रेडी है। अब बनाते हैं पीनट चटनी। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप रॉ पीनट्स और उन्हें अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस तरह ही लाते हुए हमें उनसे तब तक ड्राई रोस्ट करना है, ये देखिए, जब तक कि छिलका उतरना ना शुरू हो जाए। इसके लिए मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 मिनट लगे। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तब तक उसी पैन में 1 टीस्पून ऑयल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, 1 टीस्पून जितनी चना दाल और उन्हें हम लो फ्लेम पे भून लेंगे। एक सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे और 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए अनियन और 2 ग्रीन चिलीज। इन्हें हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये जो मूंगफली थी इसका मैंने छिलका उतार लिया है। इसे मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। साथ ही में हमारा जो ये हमने प्याज हरी मिर्च भुने वो ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून इमली का पेस्ट और 2 टेबलस्पून वाटर। अब इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये काफ़ी थिक है। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें 1 टीस्पून जितना ऑयल लेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ी सी हींग और धोई हुई उड़द की दाल और थोड़े से कड़ी पत्ते और बारीक वाली 1 टीस्पून राई और 1 रेड चिली। ये हमारा उस चटनी का तड़का तैयार होगा। ये चटनी काफ़ी थिक है, इसे इस तड़के में ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना पानी और इन्हें अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे जब तक ये कलर डार्क ना हो जाए। ये देखिए, ये कलर डार्क हो गया है। तो हमारी चटनी जो है ये बनकर रेडी है। ये खाने में इतनी टेस्टी है कि सबको घर में बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब थर्ड बनाएंगे अनियन टमाटो चटनी। उसके लिए एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल लेंगी और जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होता है उसमें ऐड करेंगे 1 ड्राई चिली, 1 पिंच ऑफ हींग, 1 टेबलस्पून चना दाल और इन्हें लो फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड जिंजर, 1 चॉप्ड अनियन। इन्हें भी हमें ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, बस उतना कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और कच्चापन निकल जाए। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटो। वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें जिसको चटनी खाना बहुत पसंद है। 2 मिनट के लिए इनको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। जैसे ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और उसे भी मिक्स कर देंगे। सॉल्ट से हमारे टमाटर जो है जल्दी पक जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप वाटर। इससे भी क्या है कि हमें टमाटर्स को मैशी मैशी करना है तो ये जल्दी हो जाएंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट बाद हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जैसे ही ये ठंडे होते हैं इन्हें हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठंडा होने पर करें, गर्म जो है उछल के बाहर आ जाता है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए इसे एक तड़का देंगे। उसके लिए तड़का पैन में मैं 1 टीस्पून ऑयल लूँगी, उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, राई और कड़ी पत्ते और इन्हें चटनी के ऊपर डाल के मिक्स कर देंगे। तो हमारी प्याज टमाटर की चटनी भी जो है बनकर तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अब हम बनाएंगे सूखी लाल मिर्च की चटनी। उसके लिए मैंने एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल लिया है। उसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून सेसमे सीड और 1 चॉप किया हुआ अनियन, 10 गार्लिक क्लोव्स और इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम, जब तक कि प्याज जो है हमारे ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। बिल्कुल लो फ्लेम पे भूने, कहीं ये जल ना जाए। तो ये देखिए, ये हमारे प्याज लहसुन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है।
इसे ठंडा होने पे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 8 से 10 सोख की हुई सूखी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इसे भी हम इस मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो मैंने 3 से 4 घंटे पहले पानी में सोख कर दिया। और इसमें 1 टेबलस्पून जितना डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रोस्ट की हुई चना दाल, 1 टीस्पून इमली का पल्प और थोड़ा सा मतलब 2 टेबलस्पून जितना पानी, और इन्हें ग्राइंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए ये चटनी हमारी ऐसे ही तैयार है, इसे कोई भी तड़का देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम कोई भी साउथ इंडियन डिश बनाएं ये चटनियाँ ज़रूर ट्राई करें, आप इन्हें बना के स्टोर भी कर सकते हैं। सिर्फ कोकोनट चटनी जो है वो जल्दी ख़राब होती है, वो फ्रेश बनानी पड़ती है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें।